हेलो दोस्तों, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लौकी की सब्जी बना के दिखाऊंगी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। उसके लिए मैं लौकी, आधा किलो लौकी ली हूँ और उसको छील के काट के धो के रख ली हूँ। और एक छोटा आलू ले ली हूँ उसमें डालने के लिए। उसके लिए सादा सब्जी है, उसके लिए ये मसाला है, थोड़ा धनिया का पत्ता है कटा हुआ, मिर्च है, जीरा है एक चम्मच, नमक एक छोटा चम्मच, हल्दी छोटा टुकड़ा कटा हुआ, अदरक। मैं बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई में गैस पे रख दी हूँ, उसके लिए मास्टर आयल कढ़ाई में डालूंगी, दो चम्मच। तेल हो गया है, इसमें मैं जीरा डालूंगी, अदरक डालूंगी, धनिया पत्ता ले लेंगे, मिर्च डाल देंगे, धनिया पत्ता अदरक सब डाल देंगे। हल्दी है, ऐसे हल्दी पक जाती है पहले डालने से। मैं लौकी डाल दूंगी, तो अच्छे से मैं मिला लूंगी। अच्छी तरीके से मैं उसको मिक्स कर लूंगी और उसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट ढकने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी, नमक मिक्स कर दूंगी। देखिए इसका कलर आ गया है अच्छी तरीके से। फिर मैं नमक डालने के बाद 5 मिनट इसको ढकूंगी, अभी अच्छी तरीके से पका लिए हैं। देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है एकदम फ्रेश। आपको मेरी सब्जी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।